अलीपुरद्वार से कुछ ही किलोमीटर दूर हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटा और खूबसूरत शहर कालचिनी और हैमिल्टनगंज अपनी मिश्रित सांस्कृति वेशभूषा और सभ्यता के कारण विशेष स्थान रखते हैं। अलीपुर जिला उत्तर बंगला, सिक्किम, भूटान और उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रकृति के घंघोर जंगल, हरी भरी चाय के बागान, साथ ही जंगल के बीच से होकर बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ अपनी निर्मलता के कारण सभी को लुभाती है। माना जाता है कि कालचिनी एक प्राचीन नदी कालजनी नदी से प्राप्त नाम है, जो नदी अलीपुरद्वार की पहचान है। कालचिनी तराई अंचल से होते हुए बक्सा डुअर्स और हिमालय का निचला हिस्सा जयंती तक माना जाता है। लेपचाका, चुनाभट्टी और अदमा ये छोटे क्षेत्र अविकसित होते हुए भी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों का आकर्षण का केंद्र है। कालचिनी ब्लॉक के सीमांतर उत्तर भूटान अलीपुरद्वार 2, अलीपुरद्वार नगरपालिका, अलीपुरद्वार 1 से होते हुए मादरी तक पड़ता है। कालचिनी ब्लॉक पूरे जंगलों से घिरे होने के कारण यहाँ अनेकों जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। सरकारी कागज पत्र यहीं पे बना सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय यहाँ ना होने के कारण न्यायालय संबंधित सभी कार्यों को अलीपुरद्वार में किया जाता है।
छोटे से शहर होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में दो रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो एक हैमिल्टनगंज में उपस्थित है और एक कालचीनी में उपस्थित, जिसके कारण यहाँ के लोगों को सफ़र करने में बहुत ही आसान हो जाती है। इस क्षेत्र में कई बैंकों के साथ साथ एकमात्र सिनेमा घर भी है, जहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। इस क्षेत्र से होकर गुजरती बासरा नदी यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं। इस नदी के किनारे से लोग घर बनाने के सामग्री को बटोरने के लिए आते हैं, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, पानी इत्यादि। यहाँ जब भी कोई पर्यटक जंगलों से होकर गुजरती है तो उनके ध्यान आकर्षण का केंद्र जंगली पशु पंछी जीव जंतुओं के ध्वनि और कलकल करती नदियों के निर्मल ध्वनि से पूरे वायुमंडल को संगीतमय बना देती है। सूर्य के ढलते ही मानो कालचीनी शहर में चहल पहल थम सी जाती है। शहरों में देर रात तक मेला सा लगा रहता है, लेकिन कालचीनी में रात सोने के लिए ही होती है। सभी लोग गहरी नींद की ओर चले जाती हैं। केवल कुछ रोगी जो पीड़ा के कारण या कुछ वृद्ध जो लगातार खांसी के कारण नहीं सो पाते या कुछ लोग जो खेतों की रखवाली करते हैं केवल वो ही जगे रहते हैं।